होता है यस सर, बिल्कुल। यस सर, यस सर, ये तो ऐसी घटना हाँ है जिसको सब लोग महसूस करते हैं। हाँ सर, गर्मी का त्वचा और ठंडी का त्वचा। अब बहुत ठंडी हो, आप स्कूटी या बाइक चला के जा रहे हो, बहुत ठंडी हो, एकदम कड़ाके की ठंडी, और आपने दस्ताने नहीं पहने हैं, तो आपकी जो उंगलियां होती हैं वो क्या होती है, अकड़ जाती है ना, आपके सारे स्किन जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाता है ना। और फिर हम क्या करते हैं, उसको तुरंत आग के पास आते हैं, अरे हटो हटो, मेरा हाथ में एकदम ठंडा हो गया, टूट जाएगा, इतना बर्फ हो गया ये। और फिर आप धीरे धीरे उसको मलते हैं, और फिर क्या होता है, हाथ में हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होने से वहां का जो स्किन होता है फिर से वो नॉर्मलाइज होता है, ग्लो करने लगता है। आप देखें कि जब आप आग के सामने, बहुत ठंडी है, और आग के सामने अपने हाथ को रखेंगे, अपने चेहरे को रखेंगे, तो धीरे धीरे वो चमक उसमें आना शुरू हो जाता है ना, जो कि ड्राइनेस के कारण क्या था, उसका चमक खो गया था। ये कौन क्या चीज है ये? तो हमारा भी स्किन जो है वो ऊपर से तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, डेड सेल लेयर का, जिसका नाम है स्ट्रैटम कॉर्नियम, है ना। तो इसका मतलब है कि ठंडी से या गर्मी से हमारे त्वचा में जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, उसके बनावट में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में क्या होता है, बदलाव आता है। तो आप सब लोगों ने एक चीज सीख लिया अभी, और वो क्या चीज था, इस तरह अगर फॉस्फोलिपिड के जो फैटी एसिड टेल्स का साइज अलग अलग होगा या टाइप्स अलग अलग होगा, वह तापमान के आधार पर होगा, ठीक है, कितना टेम्परेचर है नहीं है उसके आधार पर किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देखिए विज्ञान में क्या है ना, कि तर्क बहुत जरूरी है। आप अगर तर्क से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तर्क में भी क्या है कि आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, जो रिसर्च के आधार पर हुआ। और अगर वहां रिसर्च नहीं हुआ है तो फिर क्या करेंगे, फिर आप लोग खुद कल को आप साइंटिस्ट बनेंगे, आप क्या करेंगे, आप इस प्रपोजल को बढ़ाएंगे कि भाई ये जो घटना हुआ इसका कोई रिसर्च नहीं हुआ है, तो हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। हम सब मोस्ट वेलकम। बहुत बार विद्यार्थी पूछता है सर डिसर्टेशन का टॉपिक कैसे तैयार करें, डिसर्टेशन तो पढ़ते पढ़ते में आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और इस बार बहुत सारे इंटोमोलॉजी के विद्यार्थियों को देखा मैंने कि वो तो फील्ड वर्क कर नहीं पाए, लैब वर्क भी नहीं कर पाए, बट उन्होंने घर में ही मेरे बताए हुए आइडिया को फॉलो किया और देखे कि छोटी छोटी चीज पर अच्छा काम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम कोई मेम्ब्रेन को देख रहे हैं, अब तो फॉस्फोलिपिड का डायनेमिक्स हम लोग अभी तुरंत फॉलो किए हैं कि फॉस्फोलिपिड किस प्रकार से अपना डायनेमिक्स शो करता है। तो जब भी हम किसी भी सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड को देख रहे होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, इन सब का क्या होता है, पैकेजिंग होता है ना। तो हम लोग एक टर्म है, पैकिंग, पैकिंग ही कहते हैं, पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये पैकिंग होता है, कैसे होगा पैकिंग भाई? ये पैकिंग जो है दो प्रकार से होता है। पहला जो होता है, जो फर्स्ट टाइप होता है, जो पहला टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेज शेप्ड, वेज शेप्ड, ये हमारा पहला टाइप होता है। और जो दूसरा टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल। अब देखना ना, आपने कुछ लोग सोचा सर सीधे मेम्ब्रेन पढ़ा देते, क्या झंझटता, काहे को इतना फॉस्फोलिपिड ये वे कर रहे हैं, अरे भाई बायोकेमिस्ट्री बचा हुआ। अब आप सब लोग कितना अच्छा महसूस करेंगे, ये मैं जानता हूं, कि आप इन सब चीजों को जब बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। देखो ठीक है, अब आप गौर करिए कि कैसे ये सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो वेज शेप्ड है, अगर इसको थोड़ा सा इसके एंगल से दिखाएं, दिखाने कोशिश करें, तो ये कोनिकल दिखेगा, कैसा दिखेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं वेज शेप्ड।
और अगर इसको देखें तो कैसा दिखेगा ये, अगर पेरिफेरी एक पैरामीटर बनाया इसका तो कैसा दिखेगा ये, सिलिंड्रिकल दिखेगा। तो आपके पास दो प्रकार के अरेंजमेंट का तरीका है, एक वेज शेप्ड अरेंजमेंट और एक सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट। ठीक है, वेज टाइप में क्या हो गया कि यहाँ है और उसके पीछे में दूसरा। आपको बहुत लोग लगा सर इसमें एक ही फैटी एसिड चेन है दूसरा उसके पीछे है, ठीक है ना। अब अगर ये आपस में अरेंज हो तो कैसे दिखेगा, सब लोग गौर करना, ठीक है ना, सब लोग गौर करोगे। और वो विद्यार्थी सबसे अच्छा है जो साथ में कॉपी और कलम भी लेकर बैठा हुआ है और मेरे साथ साथ मेरे बोले हुए चीजों को लिखता भी है और साथ में डायग्राम बनाता भी है ना। तो वो बहुत सबसे अच्छा विद्यार्थी है। कुछ लोग हैं कि सुनते हैं, वो भी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। कुछ लोग हैं जो कनेक्ट होकर चाय बनाने चले गए हैं, वो भी अच्छे विद्यार्थी हैं, तो महत्व तो नहीं पता चल रहा है। आप लोग देखते होंगे मैं आपको वीडियोस भी शेयर कर देता हूँ, क्या आपको उस वीडियो से फायदा होता है, यस और नो? यस सर। थैंक यू उसके लिए, थैंक यू सर। अरे अरे आप लोगों ने पसंद किया उसको, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप मेरे उस यूट्यूब चैनल में बहुत सारा वीडियो देखते होंगे, है ना, जो मेरा स्टूडेंट से जुड़ा है वो बहुत सारे वीडियोस वहां देखता होगा, किस्म किस्म के बायोकेमिस्ट्री। तो जो जो विषय है जब जब भी मैं किसी को पढ़ाता हूँ तो मैं उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, ताकि वो विद्यार्थी, मान लो कि आप लोग जुड़े हैं 100-150 विद्यार्थी हैं, अभी कितना लोग जुड़ा होगा, 70 करीब, तो मतलब आधा क्लास खाली है अभी, है ना। किसी कारण से वो विद्यार्थी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो किसी कारण कोई बीमार हो, किसी की माँ बीमार हो, कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये वीडियो क्या करेगा, ये वीडियो उनके लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम होगा कि अरे आनंद सर का क्लास छूट गया, चलो इस वीडियो को देख लो। लेकिन उसके साथ ही क्या होगा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे बहुत जोर का नींद लग रहा है, सो जाते हैं, आनंद सर तो वीडियो शेयर कर ही देंगे ना, तो बैठ के पढ़ लेंगे, है ना। तो सभी चीज का एक प्लस और एक माइनस पॉइंट तो होता ही है ना। चलिए आप लोग भी सजेस्ट करिए और हम आपको क्या मदद कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को वो बात समझ में आए। तो जो भी विद्यार्थी किसी कारण से पीछे छूट जा रहा है, प्लीज फ्री महसूस करें, आप अपना सवाल मेरे व्हाट्सएप में जरूर डालें, ठीक है, मैं इसको 2-4-5 घंटे के अंदर में जरूर से उत्तर दूंगा। अब देखो जो वेज शेप्ड अगर अरेंज होगा ये, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइसिलर मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का क्या है, माइसिलर मॉडल है। और अगर वो सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट हो फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बायलेयर मॉडल, ठीक है। तो आप इन दोनों मॉडल को पढ़ते होंगे। हम लोग क्या, मैंने कहा कि यूजुअली सेल मेम्ब्रेन में लोग कम से कम स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन करते हैं, ज्यादा 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 उसका ये मॉडलिंग पर लोग ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से ये पैकिंग है और इस प्रकार से ये पैकिंग में दिखता है ना, मजेदार ये चीज। तो इन सब चीजों को समझना है, मेरे पास अभी है समय, मैं कुछ अच्छे टॉपिक अभी आपसे डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है। हाँ, मैं अब इस फ्रेम को हटा रहा हूं। अब एक टर्म जो आ रहा है, वो जो टर्म है वो है कि क्या मेम्ब्रेन जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रूप में काम करता है। हमारा उत्तर हुआ है हाँ भाई, हाँ काम करता है, कैसे नहीं काम करेगा। अभी आनंद सर ने बताया कि जो अलग अलग इसका स्ट्रक्चर है, जो पैकेजिंग है, वह इसी प्रकार से होता है। लेकिन वहां तक जाने से पहले हम लोगों को अपने लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन जो है उसकी सुंदरता को भी तो देखना है ना भाई। हम देखते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर हूं, अरे देखो सामने वाला कितना सुंदर है, कितना सुंदर उसका चेहरा है, कितना सुंदर ऐसा है। अरे हम जो देख रहे हैं वो क्या है, वो फाइनली उसका मेम्ब्रेन ही देख रहे हैं ना, यस और नो? यस सर। आप खूबसूरत हमारा सेल्स है, हमारा डीएनए है, जिसके कारण हम लोग खूबसूरत हैं, शरीर से भी, बुद्धि से भी और आचरण से भी।
सुंदरता तीन प्रकार की होती है, एक शरीर का शरीर की सुंदरता, दूसरा बुद्धि अर्थात ज्ञान की सुंदरता, और तीसरा आचरण की सुंदरता। इन तीनों में सबसे सुंदर कौन होता है, जल्दी बोलो। सर, आचरण आचरण, आचरण आचरण बिल्कुल, आचरण की सुंदरता श्रेष्ठ माना जाता है। बढ़िया, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं आप लोग पर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा सब लोग बताओ, दुनिया का सबसे कठिन जगह कौन सा है, जल्दी। नहीं मालूम है सबको, मैं बताऊं, यस और नो? यस यस सर, सर बताइए आप। यस मैं सर, बताता हूं, दुनिया का सबसे कठिन जगह हमारा दिमाग है। मतलब सब सही, एग्रीड? किसी को ऑब्जेक्शन? नो सर, नो नो सर। सबसे कठिन जगह दिमाग है, इसलिए आप देखेंगे बड़े लोगों की कहानियों को सुनेंगे तो पता चलेगा कि वो लोग बहुत ही नम्र होते थे, वो बहुत ही लेने वाले लोग होते थे, मतलब ग्रास्प करते थे, वो कहीं अकड़ नहीं दिखाते थे, वो ना ही अपने शारीरिक सुंदरता से ना ही बौद्धिक सुंदरता से किसी को पहले प्रभावित करते थे, पहले वो आचरण से प्रभावित करते थे, ठीक है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको इसी बिंदु पर, साथ में मोरल स्टडी भी तो होना चाहिए ना, कि जब हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी, तो वहां पर उसका उद्घाटन होना था, तो सबको बुलाया गया, तो हुआ कि सबको काम बांटा जाए, तो सबने पूछा, कृष्ण से पूछा लोगों ने, भगवान कृष्ण से, कि आप क्या काम करिएगा। उन्होंने कहा, सबको याद होगा, उन्होंने कहा मैं सभी अतिथियों के पैर धोऊंगा, आई शैल वॉश द लेग्स ऑफ ऑल द गेस्ट्स। सबने कहा कि ऐसा कैसे होगा, बोला ऐसा कैसे नहीं होगा, मेरी बहन की शादी इस घर में है, सुभद्रा उनकी बहन थी, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अतिथियों का स्वागत इसी रूप में करूं। और उसके बाद वो क्या करते थे, सभी अतिथियों के पैर धोते थे। उनके इस आचरण से अब सोचो कि जो अतिथि आया अकड़ के, मैं तो बड़ा हूं, मैं बहुत पैसा वाला हूं, मैं ये हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, जब उनको भगवान ही उस रूप से उनका पैर धो दें, तो लोगों के आचरण में कैसा बदलाव आएगा, उसके बाद जो भी अंदर घुसेगा वो कैसे घुसेगा, एकदम नम्र होकर घुसेगा कि नहीं घुसेगा, क्योंकि उसकी अकड़ ही खत्म हो जाएगी, जो ऑलमाइटी है वही सामने हमारे हमारी सेवा कर दी उन्होंने, अब मैं क्या उनके सामने हूं। ये जो चीज है उसको आप लोग भी ध्यान रखें, अपने जीवन में जरूर उसको उतारिएगा। चलिए चलते चलते हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, जब मेरा आप ये वीडियो सुनिएगा तो ये भी आपको कहानी सुनाई देगा साथ में, कि जो फेजेज होते हैं वो तीन, आप बेसिकली तो हम लोग दो फेजेस जानते हैं, कौन कौन सा, एक सोल फेज और एक जेल फेज, यही जानते हैं कि कोई भी चीज दो ही फेज में होता है, जैसे दूध जब लिक्विड फेज में है तो उसे सोल कहते हैं, और छाली जब बन जाता है तो उसे जेल कहते हैं। तो दूध का छाली कहाँ से बनता है जी सर, वो तो जो है ना सर, वो बड़ा तालाब से आता है, ऐसा तो नहीं होता, वही दूध जब ठंडाता है तो उसका जो ऊपर का हिस्सा जो हवा के टच में रहता है वो क्या होता है, जेल में बदल जाता है। तो आप सब लोग को भी ये चीज को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो तीन फेजेज होते हैं इसमें, पहला जो फेज होता है उसे हम लोग जेल फेज कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग, जेल फेज, ओके। दूसरा जो फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं सोल फेज ही कहते हैं उसको, लेकिन थोड़ा सोल ना लिखकर अगर हम लिक्विड लिखते हैं तो भी आपको इसे सोल ही मानना चाहिए, लिक्विड डिसऑर्डर, लिक्विड डिसऑर्डर फेज, ठीक है। और तीसरा जो होता है लिक्विड ऑर्डर, ऑर्डर्ड फेज, तीन तरह का नाम पढ़ा, सब लोग जरा जोर से पढ़ो तो, सब लोग पहला कौन सा फेज है, सब लोग बोलेगा, ये नहीं कि कोई बोलेगा हम नहीं बोलेंगे, हम तो एकदम अपने सबसे कठोर चीज पर बैठे हुए, अपने दिमाग पर, ठीक है। तो ये जेल फेज, लिक्विड डिसऑर्डर फेज, अब सोचो कि
कोई विद्यार्थी अगर बायोकेमिस्ट्री नहीं जानता है मेम्ब्रेन का, वो कभी जिंदगी में इन फेजेज के महत्व को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका रासायनिक बनावट ही नहीं जानता है। किंतु आपने तो सीखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने कॉपी में उसका अभ्यास भी किए होंगे। साथ ही साथ बहुत सारे अपने विद्यार्थी लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री में, या फिर जो सेल बायोलॉजी का मैंने रेफरेंस दिया था, एल्बर्ट सेल बायोलॉजी, कूपर सेल बायोलॉजी, कार्प सेल बायोलॉजी, लॉडिश सेल बायोलॉजी, कोई भी है, जितने लोगों ने उसका अभ्यास किया होगा, पढ़ा होगा, वो सब लोग क्या हो जाएंगे, ब्लेड की तरह तेज हो जाएंगे, धार उनमें बदल जाएगी, है ना। और जो विद्यार्थी अब तक अलसाया हुआ है, किताब नहीं है फिर भी सोचा है छोड़ो ना कौन किताब पढ़ता है, वो लोग अपना हार्ड प्लेस जो है, हार्डेस्ट प्लेस जो है आपका दिमाग, उसको बदलिए। किताब के लिए डिमांड करिए, मुझसे बोलिए सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, आप लोग अगर चाहेंगे मैं पेज नंबर भी बता दूंगा आपको कि किस पेज नंबर में इसका दृष्टांत दिया हुआ है। आई एम रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, और अगले दिन हम लोग सीखेंगे कि जेल फेज क्या है, ये जेल फेज क्या है, ये लिक्विड डिसऑर्डर क्या है, ये लिक्विड ऑर्डर क्या है, और इन सब का मतलब क्या है। बहुत सारा सवाल, मेरे पढ़ाने में सवाल बहुत रहता है। ठीक है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसको पढ़िए, क्योंकि अगला क्लास जो कल होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास मेरा, उसमें और भी बहुत सारे जादुई चीजें मैं बताऊंगा आपको मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूं कि क्लास खत्म करने से पहले मैं एक बार तो मौका देता हूं सबको कि कोई सवाल हो तो पूछ लो। कोई सवाल है क्या? यस सर, हाँ पूछिए। लिपिड्स को सर जब भी वाटर में डालते हैं तो सर क्या वो हमेशा बाइलेयर के फॉर्म में ही रहता है? हाँ, पहले तो मोनोलेयर बनाएगा, लेकिन और डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाइलेयर बना जाएगा। अब सेल जो था वो पानी में ही उसका इवोल्यूशन हुआ, तो सेल के साथ बड़ी मजबूरी थी कि बाहर भी पानी है और सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी 70-80% पानी ही पानी है, तो उस बेचारे को तो दोनों तरफ से अपना बाइलेयर करना पड़ा, है कि नहीं। हमारे साइटोप्लाज्म में दीपिका, अंदर भी तो पानी ही है बहुत ज्यादा, यस सर, ठीक है, तो करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज आप लोग को और भी सिखाऊंगा। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन बहुत फास्ट है कि अलग अलग अगर मीडियम में एक तरफ हवा हो, एक तरफ पानी हो, या एक तरफ कोलोइड हो, दूसरी तरफ ये, तो मेम्ब्रेन के बिहेवियर में क्या बदलाव आता है। ठीक है, और कोई सवाल? तो सर जैसे वो मिसेल से सबका फॉर्मेशन करता है तो सर वो कैसे करता है? मिसेस का फॉर्मेशन तो आप सब लोगों ने सीखा होगा। मिसेस जैसे कि हम लोग वो करते हैं ना, लाइपेज का एक्शन पढ़ते हैं कि बाइल का एक्शन पढ़ते हैं। हाँ, बाइल, हम लोग जब डाइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं, बाइल का एक्शन पढ़ते हैं कि बाइल जो है वो खाने में जो तैलीय चीज होता है उसको मिसेस में चेंज कर देता है, पढ़े हैं सब लोग। और वो क्या होता है कि पानी के ऊपर, जैसे साबुन पर के ऊपर क्या होता है, तेल देखे हैं कभी? अरे बर्तन जब हम तेल वाला धोते हैं साबुन से, तो साबुन के बुलबुले पर आप क्या देखेंगे कि सारे जो लिपिड हैं, तेल हैं, वो उस बुलबुले पर अरेंज्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ माइसलर फॉर्मेशन। ठीक है, तो माइसलर फॉर्मेशन, हाँ, इसी प्रकार से होता है। ठीक है, और कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई, आप लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, और जब विद्यार्थी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं तो टीचर्स को भी अच्छा बनना पड़ता है ना। आपके कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो शायद मुझे भी नहीं मालूम है, तो मैं भी उसको ढूंढ ढूंढूंगा, आपसे मैं मदद लूंगा, बताओ कहाँ से ये टॉपिक पढ़े। इस प्रकार से क्या होगा कि छात्र का ज्ञान बढ़ेगा ही, शिक्षक भी धीरे धीरे और ज्ञानी हो जाएगा।